नेक्स्ट केस है, सपोज आपके पास ये एक पेंडुलम है, बनाओ पेंडुलम है। इस पेंडुलम के केस में ये एंगल थीटा है, पेंडुलम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। इसका मास एम है, आपको बताना है टेंशन की वैल्यू क्या होगी जब एंगल पेंडुलम का कितना सेंटर पे बन गया, थीटा। थीटा और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी है, ये गिवन है वी, तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी गिवन है। आपको टेंशन बतानी है क्या होगी। देखो जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, वर्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूमती है, तो मैंने आपको टेंशन मैक्सिमम पॉइंट पे निकाल के दिखाई, मींस लोएस्ट पॉइंट पे निकाल के दिखाई, हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकाल के दिखाई। आपने दो तीन क्वेश्चन कर लिए कि बॉटम पे और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन कैसे बनती हैं, पर आपने ये नहीं किया कि थीटा एंगल पे किसी भी इंस्टेंट पर टेंशन क्या होती है। पहले ये बताओ टेंशन चेंज होगी कि नहीं होगी। जब एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में जाएगी टेंशन चेंज होगी, मैक्सिमम बॉटम पे है, कम 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 कम, मिनिमम ज़्यादा 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 मैक्सिमम, तो हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। और तुम्हें यहाँ निकालनी है, टेंशन निकालने का तरीका एक ही है, तुम यहाँ पर एक वेट ड्रॉ करो, कितना mg, और इस डायग्राम को पीछे एक्सटेंड करो और ये थीटा और थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाओ और mg के दो कंपोनेंट्स बनाओ, mg cos थीटा और एक बनाओ mg sin थीटा, mg cos थीटा mg sin थीटा। अब कई लोग कहते हैं यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने कहा कैसे, वो कहता है जब आपने लॉज ऑफ मोशन करवाया था ना तो हमें ये नहीं सिखाया था, हमें कहा था टेंशन के कंपोनेंट बनाया करो, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। अब तुम कह रहे हो वेट के कंपोनेंट बनाओ, ये चक्कर क्या है, मेरे को कैसे पता लगेगा कि टेंशन के कि वेट के, है ना, कंफ्यूजन तो है। जब मैंने टेंशन के कंपोनेंट बनाए ना, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में था, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, चेक कर लेना, वो ऊपर नीचे नहीं जाता था। इसके अंदर क्या है, के अंदर पेंडुलम नीचे क्यों आ रहा है, कौन सी फोर्स पेंडुलम को वापस लेके आ रही है, mg साइन थीटा। पेंडुलम सर्कल में घूम रहा है, पेंडुलम का सेंटर कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो बोलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां करेगी, टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स कौन सी है, टी, लेकिन अपोज कौन कर रही है, mg कॉस थीटा। तो इक्वेशन बोलो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज फोर्स टूवर्ड सेंटर इज एम वी स्क्वायर बाय, मान लो इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की वो एल है, एम वी स्क्वायर बाय एल, तो टी की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, आंसर ऐसे निकलेगी टेंशन। समझ में आ रहा है टेंशन कैसे निकलती है। तो टेंशन में आपको पहले वेट के कॉम्पोनेंट लेने हैं, फिर आप क्या करेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल से आंसर निकालेंगे, टेंशन आएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोशन का मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, कुछ नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाऊंगा जब मुझे वेलोसिटी नहीं गिवन होगी, मैं तो दे रहा हूँ वेलोसिटी वहाँ, मैं क्यों लगाऊंगा, मुझे वेलोसिटी थोड़ा निकालनी है कहीं पर। टेंशन निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ नहीं करते, टेंशन तो फोर्स है और एनर्जी में फोर्स का काम क्या है। उसने क्वेश्चन पूछा है, अगला एग्जाम्पल है, बनाओ जरा, अगला एग्जाम्पल है। मान लो ये एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो एल लेंथ है इसकी पेंडुलम की, और मान लो ये 30 डिग्री है, लेंथ 1 मीटर कर लेते हैं, 1 मीटर लेंथ है। यहाँ पे इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है
और मुझे टेंशन निकालनी है इस पेंडुलम में जब एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है, तो मुझे टेंशन निकालनी है जब एंगल 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूल वही रहेगा, रूल चेंज ही करेंगे। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंशन टी, यहाँ पे भी क्या ड्रॉ करेंगे, टेंशन टी, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो मास है इस ऑब्जेक्ट का 1 kg नोट कर लेना, तो एक वेट होगा इसका 1g, वेट के कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये 30 है तो ये 30 डिग्री है, 1g cos ऑफ 30 और एक 1g sin ऑफ 30, ऐसे बनेगा ना, सही है। अब एक प्रॉब्लम है, मैं इसमें टेंशन निकालना चाहता हूं और पेंडुलम सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स कहाँ होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, तो इक्वेशन बोलो क्या है, टी माइनस 1g cos 30 इज mv² / r। प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ये इक्वेशन यहाँ लगा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे इसकी वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी तो यहाँ पता है, चाहिए मुझे वहाँ पे। तो अगर कोई मुझे वहाँ वेलोसिटी बता दे तो मैं उस वेलोसिटी को यहाँ पुट करके टेंशन निकाल सकता हूँ, तो अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये पहला क्वेश्चन बन गया आज के लेक्चर का, पहला क्वेश्चन यही तो था कि ये 10 वेलोसिटी थे, वो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यही तो करवाया था, एल माइनस एल कॉस थीटा वाला शॉर्टकट, तो कैसे निकलेगी निकालें, ये देखो ऐसे निकलेगी, आप यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कर लें, आपको ये हाइट चाहिए होगी h, ये हाइट चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 ले लें, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 ले लें, 1 एंड 2 पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर लें, ठीक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर लें, सही है। तो 1 पॉइंट पर पोटेंशियल की एनर्जी क्या है, 0, लोएस्ट पॉइंट पर 0, 1 पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू 10 का स्क्वायर, सही है, यहां पे 0 और हाफ mv² सही है ना। और यहां पे पोटेंशियल कितनी है, एम जी, शॉर्टकट क्या करवाया था एच निकालने का, एल माइनस एल कॉस थीटा, और यहां पर एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पर 1 1 -1 × cos of 30, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², तो यहां से इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल लेना, वेलोसिटी को यहां पुट कर लेना, टेंशन की वैल्यू निकाल लेना आंसर।